दिल्ली सरकार ने पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने मंगलवार को पानी बचाने की अपील करते हुए कहा कि अगर आप पानी बर्बाद कर रहे हैं तो सरकार को जुर्माना लगाना पड़ सकता है। मंत्री आतिशी ने कहा, मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करती हूं कि चाहे आपके क्षेत्र में पानी की कमी हो या नहीं, कृपया पानी की आपूर्ति का तर्कसंगत उपयोग करें। जिसे भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है उसे पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आतिशी बोली कि मैं सभी से अपील करती हूं कि वे अपनी कारों को खुले पाइपों से ना धोएं, जुर्माना लगाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, अगर यह सार्वजनिक अपील प्रभावी नहीं हुई तो हमें पानी के अधिक उपयोग पर जुर्माना लगाना पड़ सकता है। आज से दिल्ली के कई हिस्सों में जहां जहां पर दिन में दो टाइम की पानी की सप्लाई आती है उसको रिड्यूस करके एक सिंगल टाइम की पानी की सप्लाई दी जाएगी। जो सेकेंड टाइम की सप्लाई से पानी बचेगा, जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज हैं जहां पर आज के दिन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, यहां या जहां पर 15 मिनट पानी आ रहा है, 20 मिनट पानी आ रहा है, सेकेंड टाइम की कुछ एरियाज की वाटर सप्लाई को रैशनलाइज करके जो ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर पानी की सप्लाई दी जाएगी। मुझे पता है कि जहां पर दो टाइम पानी आ रहा है वहां पे एक टाइम पानी काटने से लोग परेशान होंगे, लेकिन मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम सभी दिल्ली वालों के बारे में सोचें। हम एक विकट परिस्थिति में आज खड़े हैं जहां पे दिल्ली की रॉ वाटर सप्लाई को हरियाणा द्वारा रोका जा रहा है, और आज की स्थिति में हम दिल्ली के कुछ हिस्सों को बिल्कुल जीरो वाटर सप्लाई पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे पता है परेशानी होगी, लेकिन मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें कोऑपरेट करें। दूसरा, मेरी आज सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि चाहे आपके एरिया में पानी की समस्या हो या आपके एरिया में अभी पानी की समस्या ना हो, प्लीज पानी की सप्लाई को बहुत केयरफुली यूज करें। आज के दिन में जब दिल्ली में पानी की सप्लाई इतनी घट गई है, आज के दिन में जब दिल्ली के कई हिस्सों में बिल्कुल पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते, कि जिस जिसके पास पर्याप्त सप्लाई आ रही है उसको वो वेस्टफुली इस्तेमाल ना करें। कृपया करके अपनी गाड़ियों को खुली पाइप से ना धोएं। कहीं पर भी पानी की सप्लाई के पानी को गाड़ियां धोने के लिए यूज ना किया जाए, ये बहुत वेस्टफुल यूज है पानी का और इसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। आज भी मैंने देखा साउथ दिल्ली के कई रेजिडेंशियल एरियाज में कि लोगों के घरों के बाहर उनके ड्राइववेज में पानी बह रहा है गाड़ियों के धोने से। तो मेरी सबसे ये अपील है कि आप गाड़ियां ना धोएं। अगर अगले एक दो दिन में इस पब्लिक अपील से काम नहीं चलता तो हो सकता है हमें एक्सेस यूज ऑफ वाटर का पर चालान भी लगाना पड़े, लेकिन अभी हम सिर्फ दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप अपनी मोटर पर प्लीज ध्यान रखिए जब पानी भर रहे हैं। अभी भी दिल्ली के कई हिस्सों में टंकियों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कों पर आ रहा है। जब पानी की इतनी शॉर्टेज है, इस तरह का मिसयूज बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और तीसरा, डे टू डे जो हमारे घर का भी कंजम्पशन है, जहां जहां पर हो सके पानी के यूटिलाइजेशन को जितना बेस्ट पॉसिबल तरीके से कर सकते हैं, बिना पानी को वेस्ट किए हुए कर सकते हैं। मेरी आप सबसे ये अपील है कि दिल्ली इस समय अक्यूट हीट वेव से गुजर रही है और दिल्ली में इस समय हरियाणा पानी बहुत कम छोड़ रहा है, तो सभी दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर साथ आए और इस समस्या का समाधान से। लेकिन अगर हमें अगले एक दो दिन में लगेगा कि अपील से नहीं हो रहा है फिर भी वेस्टफुल यूज हो रहा है, तो फिर हमें इसमें वेस्टफुल यूज पे, जैसे गाड़ियों को धोना रनिंग वाटर से, चाहे टंकियों की ओवरफ्लो से,
तो हो सकता है हम एक दो दिन में फिर चालान लगाना भी गया या पानी की जी ओवरफ्लो होती हुई पाई गई उस परिस्थिति